हेलो एवरी वन आर फाइन टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू फेमस पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्कूल ओके सो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट पेंटिंग इज कृष्णा विद गोपिस ओके इसके आर्टिस्ट हैं मनकू टाइम पीरियड है सेवनटीन थर्टी ए डी इसका स्कूल है बसोली स्कूल ऑफ आर्ट सब स्कूल ऑफ राजपूत स्कूल मीडियम है टेम्परा वाटर कलर पेपर इसका साइज है ट्वेंटी पॉइंट फाइव एंड थर्टी सेवन सेंटीमीटर कटेसी है इसकी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ये ओरिजेंटल पेंटिंग गीत गोविंद सीरीज की एक इलेस्ट्रेशन है ये पेंटिंग राधा कृष्ण के प्ले से रिलेटेड है जो कि भगवान की आत्मा की भक्ति को दिखाती है मीन्स ये सोल्स डिवोशन टू गॉड को शो करती है इस पेंटिंग में एट गॉपीस को दिखाया हुआ है इसमें भगवान श्री कृष्ण को ब्लू स्किन में येलो लोइन क्लॉथ डाले हुए दिखाया है जो कि दो गोपियों को गले लगा रहे हैं एक गोपी अपने घुटने पर बैठी हुई है और कृष्ण को पकड़े हुए है जबकि दूसरी गोपी उसके सामने है ये गोपी हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है अटेंडेंट को राउंड फैन लिए हुए दिखाया गया है इसमें लेफ्ट साइड में दो गोपी आपस में बात कर रही हैं लेफ्ट में ही एक गोपी को चोरी पकड़े हुए दिखाया गया है इस पेंटिंग में भगवान की अटेंशन के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसमें कृष्ण के मुकुट को पंखों के साथ बनाया गया है एक जैसी दिखने वाली गोपियों को अच्छे से सजाया गया है इसमें लोटस शेप्ड आइज बनाई गई हैं बॉडीज शॉर्ट हैं जो कि फोक स्टाइल को दिखाती हैं गोपियों के हाथ और पैरों को डांसर की तरह रेड कलर से डेकोरेट किया गया है ब्राइट और बोल्ड कलर का यूज़ किया गया है इसमें जो फोरग्राउंड में आगे की तरफ एक छोटी सी यमुना नदी को बनाया गया है वहीं राइट right साइड में डिफरेंट साइज के लीव्स यानी जो पत्ते हैं उसके साथ कुछ स्मॉल ट्रीज बनाए गए हैं कृष्णा की फिगर को सबसे लंबा बनाया गया है ट्रीज़ को स्टाइल फॉर्म में बनाया गया है ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट ने कलरफुल फिगर को दिखाने के लिए फ्लैट बैकग्राउंड पर जोर दिया है इसमें वाइब्रेट ऑरेंज बैकग्राउंड पेंटिंग को एक चमक देती है सेंटिमेंट ऑफ लव और डिवोशन इस पेंटिंग का मेन थीम है नेक्स्ट पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्स गोइंग टू वृंदावन ये पेंटिंग डैनसुख ने बनाई है वाटर कलर ऑन पेपर इसका टाइम पीरियड है सेवनटीन एटी फाइव टू नाइनटी एडी साइज है इसका थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एंड ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका स्कूल है कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट पहाड़ी स्कूल कटेसी है इसकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है और कृष्ण को किन्नरों के साथ दिखाया गया है इसमें नंद को बस्ती के एक सरदार ने अपने लोगों के द्वारा गोवर्धन पहाड़ी के पास वृंदावन में शिफ्ट करने की सलाह दी थी कंस का दरबार गोकुल के पास था और वो बार बार कृष्ण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था परंतु वहाँ के लोग से अपने सेवियर को बचाना चाहते थे वो जानते थे कि वो कोई आम आदमी नहीं है इस पेंटिंग में वृंदावन की यात्रा के दौरान सामान के साथ एक समूह को दर्शाया गया है इसमें नंद को बैलगाड़ी पर बैठाया जाता है जिसमें एक गुम्बद के आकार की, की छतरी है दो बैल होते हैं और ये एक चरवाहे के द्वारा चलाई जा रही है राइट right साइड में एक गाड़ी में बेबी कृष्णा को ले जाया जा रहा है कृष्ण के साथ अन्य लोग शायद बलराम यशोदा और रोहिणी उसके सोतेले भाई सोतेली माँ है मेल और फीमेल फिगर सामान की टोकरी को बांध रहे हैं और सिर और कंधे पर गड्ढी बांध कर चल रहे हैं कुछ महिलाएं जार ले रही हैं, वहीं इसमें एक चरखे को दिखाया गया है फीमेल को घाघरे में दिखाया गया है इन घाघरों पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का डिजाइन बनाया गया है इसके बैकग्राउंड में कुछ ट्रीज दिखाए गए हैं रॉक को पेंट किया गया है और इन रॉक के ऊपर टू बर्ड्स को दिखाया गया है इस पेंटिंग में सभी फेसेस को बहुत अच्छे से बनाया है ज्यादातर फेस एक चश्म बनाए गए हैं और काओ को रियलिस्टिक फॉर्म में बनाया गया है, बनाया है। इसमें जो काओ के सींग हैं जो उसके स्किन कलर हैं जो सभी माइन्यूट डिटेल है उनको बहुत ही ध्यान से बनाया है पेंटिंग में जो कलर है वो ना तो ज्यादा भड़कीले हैं और ना ही ज्यादा ब्राइट हैं। इसमें पेड़ों के पीछे स्काई ब्लू कलर की एक रिवर को दिखाया गया है वहीं ग्राउंड को ओकर कलर में बनाया गया है बाकी जो फिगर्स हैं उनको ब्राइट कलर के साथ बनाया हुआ है ये हमारे टू फेमस पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्कूल फर्स्ट है कृष्णा विद गोपीज एंड सेकेंड है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू तो वृंदावन ओके Goodbye everyone, see you in next video.